हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब गाइस? आज लाए हैं केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो केबल है और ये सस्पेंशन जो ब्रिज है, इसमें जो है कौन कौन से लोड लगे रहते हैं और कौन कौन सा लोड हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप लोग कभी जैसे किसी रिवर के ऊपर जो भी ब्रिज होगा और उस ब्रिज के ऊपर जो है जो केबल्स लगे होते हैं, केबल्स मीन्स कि इस तरीके के केबल्स लगे होते हैं उसमें। ठीक है, इसमें जो है मेंबर्स और भी इसमें लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, नीचे की ओर कनेक्टेड होते हैं, और ये जो मेंबर्स होते हैं वो लोड वियर करते हैं इस ब्रिज का। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो लोड है ये वियर करते हैं, और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ब्रिज है। ठीक है, तो इसका ये जो ब्रिज है इसका जो लोड है, इस लोड को हम लोग क्या बोलेंगे? डेड लोड। ठीक है, ये जो लोड होता है वो डेड लोड है, और इस पे जो व्हीकल्स चलेंगे वो लाइव लोड है। ठीक है, तो चाहे डेड लोड हो चाहे आपका लाइव लोड है, तो वो जो है ये इन दोनों का लोड जो है ये केबल जो है मीन्स कि ये जो मेंबर्स लगे होते हैं केबल से कनेक्टेड होते हैं, इन सब लोड को ये एज ए यूडीएल कंसीडर करता है। ठीक है, तो अभी ये जो डेड लोड है और लाइव लोड के लिए हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि केबल कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फिर इसमें देखते हैं कि और कौन कौन सा लोड लगा रहता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? यूडीएल कंसिडर करेंगे, मीन्स कि इस केबल से जो भी मेंबर कनेक्टेड होगा उसमें यूडीएल लोड लगे होंगे। तो ये जो टोटल लोड है इसी को ये इसमें इस मेंबर में कनेक्टेड होगा। तो मैं यहाँ से एक सेक्शन सॉरी कुछ इस तरीके से कट कर दूंगा, तो इसका एक फिगर अलग बन जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको मैं बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक तरीके से बनाओ कुछ इस तरीके से, ये बन जाएगा। इसी को हम लोग यूडीएल मान सकते हैं। तो ये हम यूडीएल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो इसको भी हम यूडीएल ऐसे बना सकते हैं, और इस यूडीएल का नाम जो है वो डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर कर सकता हूं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि और इस लोड की वजह से इन दोनों सपोर्ट पे कौन कौन से लोड लगते हैं। तो अब देखिए हमारा मेंबर है, ये केबल है। ठीक है, इस केबल में टेंशन लगता है, टी टेंशन लगता है, क्योंकि लोड जो है नीचे की ओर पुल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट होता है, यहाँ पे भी सपोर्ट होता है, जिसको हम लोग पियर्स भी बोल सकते हैं। दो टाइप के पियर्स होते हैं, गाइड पुली होता है, जो कि जो गाइड हमारा पुली होगा वो फ्रिक्शनलेस होता है, जिसकी वजह से एंकर केबल और सस्पेंशन केबल उसमें जो है समान टेंशन लगता है, मीन्स इक्वल टेंशन। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको आगे डिटेल में देखेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। तो इस लोड की वजह से देखिए दो फोर्स लगेंगे, कौन कौन सा? एक वर्टिकल डायरेक्शन में वी वी, और यहाँ पे वी ए, और यहाँ पे इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एच, और यहाँ पे भी एच लगेगा। ठीक है, तो इसको एच को हम लोग बोलते हैं मिनिमम टेंशन। ठीक है, इसको भी मिनिमम टेंशन। ये क्या होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होता है, मीन्स रिएक्शन होता है, इसको हम लोग रिएक्शन एट बी पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, इसको एट ए पॉइंट, जस्ट यहाँ पे भी वही चीज था। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो हमारा केबल है इसका मिड पॉइंट है वो मान लेता हूँ कि ये सी पॉइंट है, और यहां से लेके यहां तक ये हाइट जो है वो एच है, मीन्स कि यहां से लेके यहां तक का जो स्पैन है एल है। ठीक है, तो इसका ठीक सेंटर पे मीन्स ये एल बाई टू डिस्टेंस होगा और ये एल बाई टू डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है ऐसे केबल में, ऐसे फिगर में फाइंड क्या करना होता है, तो मैं यहां पे नोट कर देता हूं। सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करना होगा, ये मिनिमम टेंशन फाइंड करना होगा एच, और एक या इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा यहाँ पे। ठीक
जिसको टी बोलते हैं, और ये क्या होता है, मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन। इन दोनों का भी यहां पे रिजल्टेंट होगा मैक्सिमम टेंशन टी, और हमको यहां पे फाइंड करना होगा टी मैक्स। और क्या फाइंड करना होता है, इस केबल का जो है लेंथ फाइंड करना होता है, ये जो केबल इसकी लेंथ में मान लेता हूं एल है, तो एल फाइंड करना होगा। दैट मीन्स ये जो टॉपिक है केबल कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसमें हमको जो है ये चीज फिलहाल फाइंड करना होता है। ठीक है, तो मैं इसमें अब फाइंड करता हूँ। और हमको ये पता है कि W किलो न्यूटन का पर लोड जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक L स्पैन पर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो टोटल लोड क्या हो जाएगा, W इंटू के ये डिस्टेंस L। तो हमें ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्पैन पे जो है UDL लोड लगा हुआ है, तो ये रिएक्शन कितना हो जाएगा, आधा ये रिएक्शन इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और आधा इधर कर देगा C से। क्यों कर देगा, क्योंकि इक्वल लोड यहां से लेके यहां तक लगा हुआ है और जो हमारा लेवल है वो भी सेम है। ठीक है, तो यहां से जो रिएक्शन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू, और वी वी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, तो हमारे ये रिएक्शन फिलहाल आ गया। अब हम बात करते हैं किसका निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे मोमेंट ले लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, किसी भी डायरेक्शन से आप ले सकते हैं, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, मैं मान लेता हूं कि लेफ्ट साइड से ले रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, वी ए इंटू के ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू, क्योंकि सी पॉइंट पे चाहिए तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, तो वी ए इंटू के ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर कहां तक मिल रहा है, यहां तक। अब यदि ये पॉजिटिव है, ये कैसे डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है, यदि क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव रहे तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो वी ए जो है वो क्लॉकवाइज है और एच क्या है वो इस डायरेक्शन, मीन्स कि ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा है। ठीक है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हम नेगेटिव मिलेंगे। तो एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक मिल रहा है, एच हमारा इस डायरेक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक सी। ठीक है, तो एच इंटू के एच हो जाएगा, मीन्स कि ये डिस्टेंस। ठीक है, और कौन सा इस पॉइंट पे हम मोमेंट ले रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक का ये भी हमारा है डिस्टेंस, तो ये टोटल लोड क्या हो जाएगा यहां तक डिस्टेंस के लिए, माइनस डब्ल्यू इंटू के एल बाई टू। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस एल बाई टू है, तो ये टोटल लोड डब्ल्यू एल बाई टू हो गया, कहां पे लगेगा, ठीक बीच में, मीन्स कि यहां से लेके यहां तक के बीच में, मीन्स एल बाई टू है तो एल बाई फोर पे लगेगा। ठीक है, इधर कहीं ये तो लोड हुआ, हमको मोमेंट चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल बाई टू का हाफ, तो एल बाई फोर इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से हम एच की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां पे देखिए वी ए है, तो वी ए की वैल्यू हम यहां पे डब्ल्यू एल बाई टू रखेंगे, फिर एच की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एच। ठीक है, तो हमने यहां पे ये देखा, रिएक्शन फाइंड किया ये दोनों, फिर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड किया, और मैक्सिमम टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, तो मैक्सिमम टेंशन फाइंड करने के लिए ये जो मैक्सिमम टेंशन है वो क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो यदि मैं इसको इस तरीके से बना दूं, जैसे कि ये एच इस डायरेक्शन में है और ये वी ए इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से, ये टी मैक्स है, ठीक है, ये एच मिनिमम है और ये, ठीक है, और ये वी वी क्या है, इस तरीके से। तो यदि ये किस तरीके काम कर रहा है, ये हाइपोटेनस काम कर रहा है कुछ इस तरीके से, इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, तो यहां से टी मैक्स क्या हो जाएगा, टी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वी वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहां से टी मैक्स आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में वी वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो टी मैक्स आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, रिएक्शन ये कितना होगा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा, मिनिमम टेंशन वो भी हमने निकाल लिया यहाँ पे, और टी मैक्स कितना होगा, मीन्स मैक्सिमम टेंशन कितना होगा, वो भी फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ केबल, तो लेंथ ऑफ केबल के लिए हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से आगे कोई भी एक पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं, वो मान लेता हूँ पी। ठीक है, मैं इस पॉइंट को यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं कुछ इस तरीके से, ये सी पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। ठीक है, अब
सी से लेके पी तक का कुछ डिस्टेंस भी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और ये लोड भी दिया हुआ है, तो इस लोड को भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ाता हूँ, कुछ इस तरीके से ये लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, क्या हो जाएगा, सी से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एच लगेगा और यहाँ पे जो है वो टी लग रहा है, क्योंकि इस मेंबर में जो है इस केबल में टेंशन लग रहा है। अब इसकी टेंशन को हम थोड़ा सा आगे तक बढ़ाएं, एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये एक सीधी लाइन में, तो ये जो है ठीक सेंटर पॉइंट पे, और ये जो यूडीएल है वो डब्ल्यू है, और यहां से लेके यहां तक मैं एक्स डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस यहां से लेके जो टोटल लोड कहाँ वर्क करेगा, ठीक बीच में, तो इसको भी हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया कुछ इस तरीके से, तो ये टोटल लोड क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू के एक्स, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करें, इसके कंपोनेंट निकाल लें, यदि मैं कुछ इस तरीके से ऐसे बना लेता हूं, तो ये एंगल कितना है थीटा, तो इसका कंपोनेंट एक बनेगा, क्या बनेगा, टी कॉस थीटा। अब इसी के परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट बनेगा यहां से लेके ये जो है हम यहां पे निकाल रहे हैं एक्चुअली, थीटा जो है ये है, ठीक है, ये है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, वो कौन सा, टी साइन थीटा। तो अब यदि मैं दोनों फोर्स को कंपेयर करूं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एच, वर्टिकल डायरेक्शन में समीशन ऑफ यदि एफ वाई करें क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा इक्वल्स टू ये डब्ल्यू एक्स। अब यदि मैं टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा कर दूं तो कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स अपॉन एच, ये कट जाएंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू आगे हमारा डब्ल्यू एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हमको ये पता है कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब यदि हम यहीं पे छोटा सा ये मान लें कि ये डी वाई है और ये डी एक्स है, तो ये थीटा यदि है तो डी वाई टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर डी वाई है और बेस ये है, ठीक है, और यदि ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी एस, ठीक है, यदि टेन थीटा इक्वल्स टू ये है, टेन थीटा इक्वल्स टू ये है, तो दोनों को हम यदि इक्वेट करें तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स अपॉन एच, ठीक है। डी वाई इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स अपॉन एच डी एक्स। अब यदि इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो टू एच प्लस के, के क्या है, कांस्टेंट। यदि मैं यहां पे बाउंड्री कंडीशन लगाऊं, यदि एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करूं और वाई इक्वल्स टू जीरो, तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो के की वैल्यू इसमें जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू फाइनली कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू एच। और हमको ये यदि इसको हम क्या लिख लें, वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू एच, ठीक है। अब इसमें यदि हम h की वैल्यू पुट करें, h की वैल्यू कौन सी, ये वैल्यू जो हम अभी निकाले हैं, यदि इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर, अभी इसको हम कंपेयर कराते हैं, टू h की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एच, ठीक है। तो ये कटने के बाद कितना आ जाएगा, फोर एच अपॉन एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के यदि ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, दोनों कंपेयर करते हैं तो करीब करीब एक तरीके का सेम है, ठीक है। यदि मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूं, इसको जो है एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, इसको तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये टू एक्स, टू एक्स मतलब एट एक्स, एट एच एक्स अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। और यदि मैं यहां पे देख रहा हूं कि ये बहुत ही, ये जो है एक तरीके से कर्व टाइप का है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है, तो इसको एज ए स्ट्रेट लाइन हम कंसीडर यदि करें, तो यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल्स टू
हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम डी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें, डी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेने के बाद फिर डी एक्स स्क्वायर को हम इस साइड लेते हैं तो कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन इसका स्क्वायर इक्वल्स टू और कितना हो जाएगा, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से डी वाई डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसकी पूरी लेंथ निकालनी है। तो हम यदि हम इतना हम छोटा सा ये लेंथ निकाल लें, ठीक है, और इंटीग्रेट कर देंगे तो मैं मुझे पूरी लेंथ की पूरी लेंथ निकल आएगी। तो अब क्या करें, dy अपॉन dx की वैल्यू ये हम जो अभी निकाले हैं इसको इसमें पुट कर दें। तो इसको इसमें पुट करने के बाद क्या आएगा, ds अपॉन dx की वैल्यू यदि हम पुट करते हैं तो 1 प्लस इसका स्क्वायर करना है, मीन्स इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 64 एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई और क्या हो जाएगा, एल के पावर 4 और अंडर रूट को हम यहाँ पे 1/2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, मैं इसको यदि यहां पे नोट करूं तो कितना हो जाएगा, डी वाई डी एस अपॉन डी एक्स, तो ये 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1/2 64 एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। बाकी का जो आगे हम यदि इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो बाकी का जो है टर्म बहुत ही छोटा छोटा वैल्यू आएगा, इसलिए उसको हम निगलेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 32 एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई और यहाँ पे 4 है, ये 4। ठीक है, और यहाँ पे एक डी एक्स का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमको इंटीग्रेट कर देता हूँ डीएक्स को, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा हमारा जो स्पेन दिया हुआ लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा ये स्पेन है, क्योंकि हमारा ये लेंथ निकाला है, कहाँ से लेके कहाँ तक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम क्या करें इसको दो पार्ट में कर लें, जीरो से लेके एल बाई टू फिर जीरो से लेके एल बाई टू। तो हम यदि एक बार निकाल लें जीरो से लेके एल बाई टू फिर उसमें दो का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हो जाएगा, तो मैं दो का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और लिमिट कितना लगाता हूँ, जीरो से लेके एल बाई टू तक का, क्योंकि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया पूरा स्पेन के लिए। अब हम ये यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 1 प्लस 32 एच स्क्वायर एल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल की पावर 4 डीएक्स। तो इसको हम यदि फाइनली सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है, इंटीग्रेट करने के बाद dx को x आ जाएगा, फिर वहां पे l बाई टू रखेंगे तो और जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो आ जाएगा l प्लस 8 अपॉन 3 एच स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमने लेंथ निकाल लिया। अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल तो किसी भी प्रकार हम लोग किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं फॉर्मूला रट कर। ठीक है, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आप एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम लोग क्या किए हैं कि ये जो हमारा केबल है इससे जो मेंबर है उसमें जो यूडीएल लोड लगता है तो उसके लिए उस केवल यूडीएल लोड की वजह से इसके जो हमारे सपोर्ट होते हैं या फिर इसको आप बोल सकते हैं पियर्स हैं, जो भी हमारा रिएक्शन ए और बी पॉइंट पे है वहां पे एक्चुअली पियर लगे होते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, फिलहाल हम पियर के लिए भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे ये देखा कि मिनिमम टेंशन मैक्सिमम टेंशन रिएक्शन लेंथ ऑफ केबल कैसे फाइंड करते हैं। अब डायरेक्ट जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप यदि यूडीएल दिया हुआ है लेवल और सेम दिया हुआ है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट लगा सकते हैं और ये लगा कर, ठीक है, मिनिमम टेंशन के लिए और लेंथ ऑफ केबल का आप ये यूज कर सकते हैं। मैं आगे की वीडियो में और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसमें ये देखेंगे कि डिफरेंट लेवल का यदि क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें हम लोग कैसे मिनिमम टेंशन और मैक्सिमम टेंशन फाइंड करेंगे और उसमें उसमें जो है लेंथ ऑफ केबल जो है वो अलग तरीके से फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो यदि समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोगों का पढ़ाई हुआ, आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब गाइस? हम आज लाए हैं क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज पे, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट लेवल के जब हमारे सपोर्ट होते हैं या फिर पीयर्स होते हैं, तो जो सपोर्ट होते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक केबल है जो कि स्पैन दिया हुआ है एल लेंथ का, ठीक है, और एंड से हाइट जो है वो H1 है और H2 है, ठीक है। अबव द लोएस्ट पॉइंट मीन्स जो है केबल होगा, केबल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसमें जो है एक हाइट एच हाइट तक एक सपोर्ट होगा, दूसरा जो है H2 हाइट तक का दूसरा सपोर्ट होगा, और उसमें दिया होगा कि UDL जो है लोड है यूनिट पर यूनिट रन जो है, ठीक है, स्पैन पे W पर यूनिट रन जो है पूरे स्पैन पे एक्सपेंड है, और पूछा हुआ है कि वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो एक केबल है जो कि लोवेस्ट पॉइंट से H1 हाइट पे एक सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट H2 हाइट तक है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इसका जो है कुछ इस तरीके से, ये सी पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट से ये जो हाइट है यहाँ तक, ये H1 हाइट तक है, ठीक है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है वर्टिकल रिएक्शन VA होगा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ये होगा, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा और यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन VB होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो दूसरा सपोर्ट दिया हुआ वो H2 हाइट तक है, ठीक है। और UDL लोड यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, तो मैं UDL लोड यहाँ पे बना देता हूँ पूरा, ये UDL लोड, ठीक है, और ये जो है मेंबर्स लगे होते हैं केबल में, ठीक है, और ये जो लोड है वो W किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। इसमें पूछा हुआ है कि वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मीन्स VB VA और H हमको पता करना है, और देखिए ये लेंथ नहीं गिवेन है, ठीक है, ये L1 जो है वो यहाँ पे यदि L1 मान लें तो ये लेंथ गिवेन नहीं है, और ये दो इसको हम L2 निकाल मान लें तो ये हमको अभी पता नहीं है। तो इसको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को यही L1 और L2 ही निकालना होता है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, और ये जो L1 और प्लस L2 मिलाकर क्या होगा, एक स्पैन का लेंथ दिया हुआ है वो L होगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मीन्स कि ये यहां से लेके ये डिस्टेंस L है, ठीक है। तो अब हमको L1 सबसे पहले निकालना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं जिसमें कि यही सबसे पहले निकालना होता है, ठीक है। जैसे हम आर्च में हम जब न्यूमेरिकल लगाए थे तो उस टाइम हम यही बताए थे, उसमें भी बस उसमें और इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, वो कंप्रेशन मेंबर होता है, इस केबल में टेंशन होता है, ठीक है। तो उसमें भी डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, तो जस्ट वैसे ही इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग निकालेंगे कि L1 कितना होता है और L2 कितना होता है। तो ये हमारा पैराबोला है, ये जो हमारा है एक तरीके का पैराबोला है, तो जो पैराबोला का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x²/y² = कॉन्स्टेंट, ठीक है, x²/y² = यदि मैं सी से लेके एक्स डायरेक्शन, ये जो सी है सी से लेके लेफ्ट साइड का जो लेंथ है वो कितना है L1 है, तो मैं L1² करूं x² का, और वाई डायरेक्शन में क्या है सी से लेके यहां तक सपोर्ट तक, ये H1 है, ठीक है, तो H1 हो गया = अब सी से मैं राइट की बात करूंगा तो सी से लेके एक्स के डायरेक्शन में कितना लेंथ है L2² और सी से लेके ऊपर तक का जो है यहां तक का सपोर्ट का जो हाइट का कितना है H2, ठीक है। अब लेंथ एक साइड कर लेता हूं, L का एक साइड और जो है H का एक साइड, ठीक है, तो कितना हो जाएगा L1/L2² / H1/H2, तो ठीक है। तो इसका जब हम अंडर दोनों साइड का निकालेंगे तो ये जो बचेगा हमारा L1/L2 = √H1/√H2, ठीक है। यदि मैं इस ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी से हमको L1 और L2 दोनों की वैल्यू पता चलेगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में
हम वन दोनों साइड ऐड कर दें, इधर भी और इधर भी, तो कितना हो जाएगा, एल वन अपॉन एल टू प्लस वन इक्वल्स टू एच वन अपॉन अंडर रूट एच टू प्लस वन। तो ये कितना हो जाएगा, एल वन प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल टू डिवाइड बाई एल टू, इसका भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, एच वन प्लस अंडर रूट एच टू डिवाइड बाई अंडर रूट एच टू। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या होगा, एल वन प्लस एल टू मिलकर क्या होगा, एल। यहां से एल टू की वैल्यू हम फाइंड कर लें तो कितना हो जाएगा, एल इधर जाएगा एल टू और ये नीचे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये जो हमारा है ये पूरा जो है वो एल है। एल में एच टू का मल्टीप्लाई करेंगे और तो यहां से एल टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई, एल अंडर रूट एच टू डिवाइड बाई ये दोनों अंडर रूट एच वन प्लस अंडर रूट एच टू। इस तरीके से हम लोग ये वैल्यू एल टू की निकालेंगे। अब यदि हमको एल वन की वैल्यू निकालना होगा तो ये जो इक्वेशन नंबर वन है इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, मीन्स एल टू अपॉन एल वन अंडर रूट एच टू अपॉन अंडर रूट एच टू एच वन, तो एल टू अपॉन एल वन हो जाएगा, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा अंडर रूट एच टू अपॉन अंडर रूट एच वन। अब क्या करें, इन दोनों में वन वन ऐड कर दें जैसे इसमें ऐड किए थे, तो एल टू अपॉन एल वन प्लस वन अंडर रूट एच टू अपॉन अंडर रूट एच वन प्लस वन, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल टू प्लस एल वन डिवाइड बाई एल वन, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच टू प्लस अंडर रूट एच वन डिवाइड बाई अंडर रूट एच वन, और ये दोनों मिलकर क्या होगा, एल। फिर से हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करें और एल वन की वैल्यू निकालें, ये इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एल एच वन और ये नीचे हो जाएगा एच वन प्लस अंडर रूट एच टू, ये किसकी वैल्यू आ गई, एल वन की। तो क्वेश्चन में क्या देगा, उसमें इस तरीके से दे देगा कि ये जो दोनों वैल्यू है वो गिवेन नहीं होगा, एल वन और एल टू का। ठीक है, बाकी का जो हमारा हाइट है ये दोनों और पूरा जो लेंथ है वो दे देगा। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना होगा, एल टू और एल वन, सबसे पहले ये चीज फाइंड करना होगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो एक चीज याद रखिएगा कि यदि डिफरेंट लेवल का हमारा केबल दिया हो चाहे आर्च दिया हो तो हमको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट या फिर मिनिमम टेंशन, ये एच जो है वो मिनिमम टेंशन होता है, या फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, चाहे मिनिमम टेंशन बोल सकते हैं, आर्च के केस में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोलते हैं और केबल के केस में जो है मिनिमम टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एच और वी ए निकालने के लिए यदि डिफरेंट लेवल का हमारा सपोर्ट दिया रहेगा तो उस केस में हमको सी पॉइंट पे मोमेंट लेना होगा, वो भी दोनों साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से और एक बार राइट साइड से, ये लेना ही लेना होगा जब हमको ये दोनों निकालना होगा, एच और वी ए बी पी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले सी पॉइंट पे एक बार लेफ्ट साइड से मोमेंट लेंगे, एक बार राइट साइड से। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से मोमेंट लेते हैं, तो यहां पे हम नोट करते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट सी फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी ए इंटू के ये डिस्टेंस एल वन माइनस, ये देखिए इधर क्लॉकवाइज को देखें पॉजिटिव मान रहे हैं, तो जो एच की वजह से ये जो इस साइड होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एच इंटू के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक मिल रहा है, सी तक, मीन्स की ये वाली, तो एच इंटू के एच वन। अब क्या बचा, ये हमारा लोड बचा है, ये यहां से लेके यहां तक, कहां तक, एल वन तक के लिए, क्योंकि सी के लेफ्ट साइड में एल वन ही है। तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू के एल वन, ये टोटल लोड हुआ। अब टोटल लोड कहां पे वर्क करेगा, ठीक इसके हाफ पे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल वन बाई टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से वी ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से एच इंटू के एच वन और ये प्लस डब्ल्यू एल, ये से ये कट जाएगा और इसमें हम डिवाइड करेंगे तो यहां पे एल वन आ जाएगा, एल स्क्वायर हट जाएगा, यहां पे टू आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं फिलहाल। अब क्या करें, अब राइट साइड से हमको मोमेंट लेना है, तो मैं यहां पे नोट करूंगा टेकिंग मोमेंट अबाउट सी फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, तो फिर से जस्ट हमने जो लेफ्ट साइड किया वही राइट साइड से हमको करना होगा, तो क्या हो जाएगा, वी बी इंटू के एल टू, वी बी इंटू के एल टू, क्योंकि सी पॉइंट का मोमेंट लेना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल टू आएगा, माइनस एच इंटू के ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन्स कि यहां से लेके यहां तक एच टू। अब हमारा सी के राइट साइड में ये लोड भी दिया हुआ है, तो माइनस डब्ल्यू इंटू के एल टू
यहाँ टोटल लोड हो जाएगा इंटू के L2/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से VB की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा H S2/2 और L2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे एक L2 से एक L2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा WL2/2। ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये और VA और VB, हमको ये पता है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में VA और ये VB है, और यदि मैं समीशन ऑफ FY यहाँ पे लगाऊं FY इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा VA प्लस VB इक्वल्स टू, ये अपवर्ड डायरेक्शन में VA VB, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है W इंटू के L, क्योंकि यहां तक यहां तक लेके L डिस्टेंस पे W लोड लगा हुआ है। तो VA और VB की वैल्यू हम यहां से और यहां से ये दोनों मिलाकर यहां पे हम पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा H H1 अपॉन L1 और W L1/2। फिर H VB की वैल्यू रखनी है तो यहां पे ये रख दें प्लस H H2/L2 प्लस W L2/2 इक्वल टू WL, ठीक है। तो हम यहां पे और यहां पे देख रहे हैं क्या कॉमन है, H कॉमन है, तो मैं यहां पे H कॉमन कर लूं, H कॉमन कर लूंगा तो कितना हो जाएगा H1/L1 प्लस H2/L2 प्लस, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है W/2, L1 प्लस यहां पे और यहां पे क्या बचेगा W/2 कॉमन कर लूंगा तो L1 प्लस L2, तो L1 प्लस L2 क्या हो जाएगा L इक्वल्स टू WL, और हम यहाँ पे L1 की वैल्यू पुट कर दें ये और L2 की वैल्यू ये, तो L1 की जगह पे क्या हो जाएगा H1/L1 की वैल्यू कितनी है L√H1/√H1 + √H2, H2/L2 की वैल्यू पुट करनी है तो L√H1/H2 + √H2 प्लस, ये जो है इसको हम इस साइड लेते जाएं तो यहां पे क्या हो जाएगा इसमें से माइनस हो जाएगा तो WL/2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे √H1 आ जाएगा और ये भी कैंसिल होगा तो यहां पे √H2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आया, अब इसको हम यदि फिलहाल सॉल्व करें तो ये जो दोनों है वो ऊपर चले जाएंगे, तो यहां से फाइनली क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, यहां पे फाइनली आ जाएगा वो आएगा ये L जो है कॉमन कर लूंगा, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो WL² हो जाएगा और ये जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसके साथ में हो जाएगा। तो फिलहाल यहां से जब सॉल्व करूंगा तो फाइनली आ जाएगा WL² अपॉन कितना हो जाएगा 2√H1/√H2² ठीक है। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे कि हम कोई भी आगे वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास ये पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो गाइज, तो कैसे हो आप सब गाइज, हम आज इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लाए हैं, ये बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में पूछता है और ये जो है केबल एंड सस्पेंशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है मैक्सिमम पॉसिबल स्पैन पूछा हुआ है कि जो हमारा केबल है, ठीक है, वो सेम लेवल पे है हमारा, ठीक है, एक केबल है सेम लेवल पे, इसको हम बनाते हुए चलते हैं कुछ इस तरीके से है, ये सेम लेवल का यहाँ से लेके यहाँ तक सेम लेवल है, ठीक है। तो और ये जो सेंट्रल डिप है यहां से लेके यहां तक जो सेंट्रल डिप है एच जो है वो गिवेन है 1/10 ऑफ स्पैन, मतलब कि ये एल जो है लेंथ का जो है, जैसे कि एच इक्वल्स टू यहां पे क्या हो जाएगा L/10, ठीक है। और परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है, स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 150 N/mm², ठीक है, 150 N/mm², और जो है स्टील वेट दिया है, तो स्टील वेट को मैं W से यदि डिनोट करूंगा तो ये दिया हुआ है 78,000 N/m³, ठीक है। तो इसमें हमको स्पैन पूछा हुआ है और हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है इतने सारे, इसको हम क्या लिख सकता हूं मैं, यदि मैं इसी को यहां पे नोट कर लूं तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं H upon L equals to 1 by 10, हम इसमें पूछा क्या है, यही पूछा हुआ है,
लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए, लेंथ मीन्स स्पैन, ये स्पैन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको लेंथ ऑफ केबल हमको पता है कैपिटल एल इक्वल्स टू कितना होता है, तो कैपिटल एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ केबल, ये लेंथ ऑफ केबल है तो यहाँ इक्वल्स टू क्या होगा, एल एट अपॉन थ्री एच स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, तो यहां से हम यदि इन दोनों में से एल कॉमन कर लें, तो यदि एल कॉमन कर लूंगा तो यहां पे क्या बचेगा, वन प्लस, यहां पे देखिए एल नीचे है तो हम एल कॉमन करेंगे तो इसमें एल का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एट अपॉन थ्री, तो यहां से एच अपॉन एल हम स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि यहां पे एक एल बाहर निकलेगा तो यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, पहले से एक एच की स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वन प्लस एट बाई थ्री, एच अपॉन एल की वैल्यू कितनी है, वन बाई टेन। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से एल की वैल्यू हम लोग फाइनली जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 308 डिवाइड बाई 300, और ये जो है कहां गया, ये एल है। ठीक है, ये एल, अब हमको देखिए यही एल निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ स्टील, ठीक है, वेट ऑफ केबल जो है स्टील वेट कितना दिया हुआ, डब्ल्यू इक्वल्स टू 78,000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर का मतलब देखिए वेट जो है या तो न्यूटन में देना चाहिए या तो किलो न्यूटन में देना चाहिए, लेकिन यहां पर जो है क्यूबिक मीटर कर दिया है, मींस कि एक तरीके का वॉल्यूम कर दिया है, तो इस पूरे वेट को हमको न्यूटन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, एरिया इंटू के लेंथ। तो लेंथ तो हमारा ये निकाल लिया है, और एरिया मैं मान लेता हूं ए, ये क्या एरिया मान लेता हूं, इतना एमएम स्क्वायर। तो यदि एरिया का और लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी वो न्यूटन में आ जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ हमारा जो है 308 डिवाइड बाई 300 एल और एरिया ए। ठीक है, तो और हमको ये जो है मीटर में चाहिए, क्योंकि ये क्यूबिक मीटर है तो एरिया है, लेकिन हम माने हैं एमएम में, तो एमएम से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से स्क्वायर, एक मीटर बराबर 1000 एमएम होता है, तो यहां पे हम एमएम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको फाइनली हम यदि सॉल्व कर लें तो जो डब्ल्यू आ जाएगी वो न्यूटन में आ जाएगी, वो कितना हो जाएगा, उसको कैलकुलेट करने के बाद इसको कितना हो जाएगा, 0.08008 ए एल, ए एल ये किस में आ जाएगा, न्यूटन में। ठीक है, अब देखिए ये कंसंट्रेटेड लोड है, ठीक है, हमें ये पता है कि ये कंसंट्रेटेड लोड का ही एक तरीके का फॉर्म है। ठीक है, ये यूडीएल लोड नहीं है, नहीं तो यूडीएल लोड रहता तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर एमएम रहता, कुछ ना कुछ जरूर दिया रहता है। ठीक है, लेकिन ये न्यूटन में हम इसको निकाल लिए, तो जो रिएक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रिएक्शन हम यदि फाइंड करना चाहें तो वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टू होता है। ठीक है, तो डब्ल्यू बाई टू करेंगे, ये हो गया वी ए इक्वल्स टू, और H इक्वल्स टू क्या होगा, हमको ये पता है कि जब UDL पूरा लोड लगा रहता है केबल में तो उस टाइम H की वैल्यू होती है वो कितना होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एच, ये किसकी वैल्यू होती है, वो H की वैल्यू होती है। ये कब होता है, जब UDL के लिए, यदि हमारा टोटल लोड न्यूटन में दिया है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में नहीं दिया है, न्यूटन में केवल दिया है, तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एल इंटू के एल, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल लोड हो जाएगा, मीन्स कि ये न्यूटन या किलो न्यूटन में। ठीक है, तो ये न्यूटन में दिया है तो मैं इसको इसी की जगह पे हम कैपिटल ये W रखेंगे, तो यहां पे जब डब्ल्यू एल की जगह पे कैपिटल W रखेंगे तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू एल बाई एट एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब हम क्या करें, अब हमको, सॉरी गाइज, एक्चुअली वीडियो शूट कर रहा था तब तक ये शायद बैटरी फुल हो गया होगा, इसकी वजह से मैं बताता चला गया और वीडियो पॉज हो गया था, मीन्स जो है बैटरी इसकी जो है मेमोरी खत्म हो गई थी, इसकी वजह से मैं इस कंप्लीट कर लिया, तो मैं समझा देता हूँ इसमें क्या क्या किया हूँ। यहाँ से एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई एट एच, क्यों हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एच जो होता है वो यूडीएल के लिए होता है। ठीक है, लेकिन हम यदि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, न्यूटन में, ये डब्ल्यू न्यूटन में दिया है तो इसको न्यूटन में करने के लिए डब्ल्यू एल की जगह पे हम कैपिटल डब्ल्यू रखेंगे तो ये न्यूटन में होगा, तो यहाँ से हम डब्ल्यू एल अपॉन एट एच रख लेंगे। और यहां से टी मैक्सिमम जो होता है वो एच स्क्वायर
प्लस वी ए स्क्वायर होता है। तो एच की वैल्यू मैं यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन डब्ल्यू एल अपॉन एट एच पुट करूंगा, यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू बाई टू। तो यहाँ से टी मैक्स हम यदि फाइनली सॉल्व करेंगे एल ये जो है वैल्यू सब रखने के बाद, तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एल की वैल्यू है, यहाँ पे एच की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो, एल बाई एच की वैल्यू जो दिया रहेगा यहाँ से 10 रख देना एल बाई एच की वैल्यू। ठीक है, तो एल बाई एच की वैल्यू 10 रखने के बाद सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे तो फाइनली इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सीयर स्ट्रेस की वैल्यू इतनी दी होती है, सीयर स्ट्रेस इक्वल्स टू सॉरी मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, मैक्सिमम टेंशन अपॉन एरिया। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन क्या है हमारा, ये दिया हुआ है इसके जगह पे ये पुट कर दिया, और ये मैक्सिमम स्ट्रेस जो है 150 क्वेश्चन में ही दिया था। ठीक है, और एरिया की वैल्यू एरिया, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ से हम एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फाइनली हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ इससे रिलेटेड तो आप लोगों को पहुँच जाए। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो गाइज, तो कैसे हो आप सब गाइज। ये जो टॉपिक चल रहा है केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज, इसमें हम लोग आज देखेंगे कि जो पियर्स होता है वो भी कई तरीके का होता है। पियर्स मीन्स कि जो हमारा केबल लगा होता है, तो केबल के दोनों एंड पे जो सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट पे ही पियर्स लगे होते हैं। वो किस तरीके का होता है मैं उसका एक फिगर बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ इस तरीके से ये रहता है पियर्स दोनों एंड पे, ये केबल रहता है, केबल में जो भी ये मेंबर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये रोड होता है नीचे, जो ब्रिज रिवर के ऊपर या फिर कोई भी। ठीक है, तो ये ब्रिज के ऊपर ये रोड होता है, ये पियर्स और नीचे तक रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहता है, तो हमको यही जो है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी में क्या क्या रिएक्शन होगा, कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगते हैं, ठीक है, कितना हमारा टेंशन होगा, ये एक्सेट्रा। तो इस केबल को हम लोग बोलते हैं ये सस्पेंशन केबल है, सेकंड बोलते हैं इसको एंकर केबल केबल। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा जो है ब्रिज के जो दोनों एंड पे हैं वो पियर्स लगे होते हैं। ये पियर्स भी कई तरीके का होता है। ठीक है, जैसे कि ये एक तरीके का क्या है, ये रोलर है, किस टाइप का, गाइड पुली टाइप का। ठीक है, मीन्स कि इसमें जो टेंशन होगा वही टेंशन इसमें भी होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन लेस होगा। ठीक है, तो मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। एक बस मेरे ये दिखाने का मतलब ये था कि ये जो केबल होता है दोनों एंड पे कनेक्टेड होता है दो पियर से। ठीक है, तो अब हम पियर्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी दो टाइप का होता है, इसको वन बाय वन समझते हैं कि क्या है। इसको मैं नोट करता हूं, ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे पियर्स होते हैं। फर्स्ट होता है केबल पास्ड ओवर गाइड पुली एट द सपोर्ट, सेकेंड होता है केबल क्लाइम्ड टू सैडल कैरेज ऑन स्मूथ रोलर। तो इसको वन बाई वन फिगर बनाते हैं, फिर फिगर बना के उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसमें फोर्स निकालते हैं और क्या क्या चीज इसमें। ये वाला जो पोर्शन है वो यही वाला पोर्शन है। ठीक है, हम केवल एक एक पियर्स को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाला जो है वो एंकर केबल है, और ये जो केबल गया है वो ये वाला केबल है। ठीक है, तो ये जो हमारा है वो फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, ये जो है फ्रिक्शन लेस है, दैट मीन्स इसमें जो टेंशन होगा वो इसमें भी टेंशन वही होगा। तो इसमें अब देखते हैं कि यदि मैं मान लेता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल जो एंगल है, यदि ये मान लेता हूं अल्फा है, और यहां से जो ये एंगल है हॉरिजॉन्टल से, ये मैं मान लेता हूं कि ये बीटा है। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इसमें बनेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा कंपोनेंट बनेगा, मैं यहां पर नोट कर देता हूं, ये कंपोनेंट बनेगा टी कॉस बीटा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो ये कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट जो बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, या फिर हम इसकी डायरेक्शन इस तरीके से करें, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, तो ये जो है इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट एक ये टी कॉस बीटा, दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर इस साइड में।
टी कॉस टी साइन बीटा। जस्ट वैसे ही इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा, वो क्या बनेगा टी कॉस अल्फा, दूसरा जो बनेगा इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये बनेगा टी साइन अल्फा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग केबल को सॉल्व कर रहे थे कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे दो फोर्स था, एक वी ए था यहाँ पे एच, यहाँ पे वी वी था और यहाँ पे एच था, ये स्पैन था और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते थे। ठीक, ये केवल केबल के लिए था, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसमें एक केबल भी है और ये तो अब यदि ये इसमें जो टेंशन लग रहा है ये टी है, ठीक है, ये टेंशन टी है, तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो यदि यदि मैं मान लेता हूँ कि ये जो है बीटा है, यही एंगल, तो इसका एक कंपोनेंट इसमें बनेगा परपेंडिकुलर जो है टी कॉस बीटा और ये टी साइन बीटा, तो ये टी कॉस बीटा होगा और ये टी साइन बीटा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में टी साइन बीटा इक्वल्स टू वी ए, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वी ए को हम लिख सकते हैं कि टी साइन बीटा और एच को हम लिख सकते हैं टी कॉस बीटा। तो यहां पे भी हम ये देख सकते हैं कि जो टी साइन बीटा है वो क्या है, ये किसके इक्वल है वी ए, ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट ये जो टी कॉस बीटा है ये किसके इक्वल होगा एच के इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स इसका एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल है वो एच के इक्वल है और यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो वी ए के इक्वल है। तो जस्ट हम यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टी साइन बीटा इक्वल टू वी ए और यहाँ पे टी कॉस बीटा इक्वल टू एच। तो अब हमको पियर को एनालिसिस करना है, तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल वर्टिकल मीन्स की जो टोटल वर्टिकल इसके वजह से और इस इन दोनों केबल की वजह से इस पियर पे कितना वर्टिकल डायरेक्शन में लोड ट्रांसमिट होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से हैं, ये और ये, तो यहां से हम टी साइन बीटा प्लस टी साइन अल्फा और टी साइन बीटा को मैं ये भी लिख सकता हूं कि वी ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स आया वो इतना आया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स आएगा, तो मैं यहां पे नोट कर लूं कि जो नेट हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसमिटेड टू द पियर, ठीक है, ट्रांसमिटेड टू द पियर, ये टीटीपी का मतलब ट्रांसमिटेड टू द पियर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ये देख रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में है टी कॉस अल्फा, लेकिन ये जो है इस डायरेक्शन में है, तो यहां से हम टी कॉस बीटा, तो इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया तो इसको हम माइनस लेंगे। ठीक है, और हम ये जान रहे हैं कि टी कॉस बीटा किसके इक्वल है एच, तो मैं यहां से ये भी नोट कर सकता हूं कि टी कॉस बीटा को ये कभी कभी क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आ गया। आप इसको भी ऐसे यूज कर सकते हो या तो आप इसको भी ऐसे यूज कर सकते हो, वर्टिकल डायरेक्शन में ये फोर्स आ गया। अब इसमें कभी कभी ये पूछ देता है यहां पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। ठीक है, तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट के लिए हमको ये डिस्टेंस पता रहेगा और तो जब ये डिस्टेंस है तो हमको फोर्स ऐसे चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर रहेगा तो फोर्स हमको ऐसे चाहिए, मीन्स कि ये फोर्स ऐसे है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है ये, तो मैं यहां से ये नोट कर सकता हूं कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द पियर वो कितना हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू द हाइट ऑफ द पियर, हाइट ऑफ द पियर। ठीक है, इसका कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे वो चीज हम आगे अभी न्यूमेरिकल जब सॉल्व कराएंगे तो उसमें देखा जाएगा। अब बात करते हैं कि जो हमारा पियर्स के ऊपर का टॉप का होता है वो किस टाइप का है। सेकेंड केस, वो केबल क्लैम्ड जो सैडल कैरीज ऑन स्मूथ रोलर। ठीक है, एक जो हमारा सैडल होगा उसमें जो है स्मूथ रोलर लगे होंगे, तो मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं, तो किस तरीके से ये होगा कुछ एग्जांपल। इस
इस तरीके से है। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें जो टेंशन होगा, इसमें अलग होगा टेंशन और इसमें अलग होगा टेंशन। ये क्यों टेंशन अलग अलग होंगे? क्योंकि जब यहाँ पे ये फोर्स जो टेंशन है वो जब ये यहाँ पे पुल करेगा तो कुछ जो है ये जो फोर्स है नीचे की ओर लगाएगा, मीन्स ग्रेविटी की वजह, इसके लोड की वजह से कुछ फोर्स ये रजिस्ट कर लेगा। तो इसकी वजह से इसमें जो है फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन लेस नहीं होगा, कुछ फोर्स ये भी रजिस्ट कर लेगा, इसकी वजह से इसमें जो टेंशन ये होगा और दूसरे में टेंशन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा टी कॉस बीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा वो टी साइन बीटा। इसका कंपोनेंट इसमें क्या हो जाएगा? टी वन कॉस अल्फा। अब इसी का दूसरा परपेंडिकुलर इसमें बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? टी वन साइन अल्फा। ठीक है, तो जो वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा होगा ये हो गया और हॉरिजॉन्टल फोर्स ये तय हो गया। ठीक है, तो जो टोटल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स हो गया वो कौन कौन सा हो जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स जो हो जाएगा वो कितना होगा? ये दोनों। अब देखिए ये चीज देखिए कि इस टेंशन की वजह से ये आया, तो जस्ट हम यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका यदि ये जो है एंगल वो बीटा मान लो, इसका कंपोनेंट ये इसमें यदि टेंशन टी है तो इसका कंपोनेंट इसमें बनेगा तो टी कॉस बीटा और इसका दूसरा कंपोनेंट इसमें बनेगा टी साइन बीटा। ठीक, तो ये देखिए यहां से वी ए और ये एच है तो एच के बराबर ये है तो मतलब टी कॉस बीटा को मैं एच लिख सकता हूं। ये टेंशन केवल केबल के केस में है, यदि यहां से हम एंकर निकाल दें एंकर केबल तो ये चीजें अलग हो जाएगा। तो हम केवल इस केबल के लिए बात कर रहा हूं, तो केबल में जो टी की वजह से जो आ रहा है वो ये जो है एच के इक्वल होगा और इसके परपेंडिकुलर जो वर्टिकल डायरेक्शन में है ये वी ए के इक्वल होगा। तो ये मतलब जो है ये क्या हो जाएगा? वी ए के इक्वल और ये जो है वो एच के इक्वल केवल इसके वजह से, मीन्स इसके वजह से। ठीक है, तो टोटल वर्टिकल फोर्स क्या है? टी साइन बीटा प्लस टी वन साइन अल्फा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स हो गया। अब देख रहे हैं कि ये जो है यदि मैं इसका हॉरिजॉन्टल ये फोर्स करूं और ये फोर्स तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये फ्रिक्शन लेस है नहीं कि जो इसमें टेंशन होगा तो इसमें भी टेंशन वही होगा। जब टेंशन अलग अलग है तो इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं टी कॉस बीटा और इसके जगह पे हम टी कॉस अल्फा इक्वल टू एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैक्सिमम टेंशन की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो टेंशन होगा वो कितना होता है? टी इक्वल्स टू अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और कभी कभी एंगल पूछ देता है तो ये एंगल, ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा टेन बीटा इक्वल्स टू, ये देखिए हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है? वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एच है, वर्टिकल वी, तो अंडर रूट सॉरी ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर, मीन्स ये वी और परपेंडिकुलर अपन बेस, बेस क्या है? एच। तो हम इस तरीके से ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो गाइज ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें कि एक स्पैन है इतना मीटर, एक जो केबल का स्पैन है वो इतना है और जो डीप है वो 15 मीटर डीप है। ठीक है, और ये जो है 6 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ पूरे स्पैन पे। ठीक है, और मैक्सिमम टेंशन पूछा हुआ है, मैक्सिमम टेंशन पूछा हुआ है और इसमें ये बोला है कि इंक्लाइनेशन ऑफ द केबल। ठीक है, मैक्सिमम टेंशन भी पूछा है केबल के लिए और इंक्लाइनेशन भी पूछा हुआ है। ठीक है, मीन्स कि ये जो अभी हम बीटा निकाले हैं वही बीटा पूछा हुआ है, इंक्लाइनेशन पूछा है कि कितना एंगल पे केबल जो है इंक्लाइन है। और पूछा है कि फोर्स ट्रांसमिटेड टू द सपोर्टिंग पियर्स, मीन्स कि जो फोर्सेस हैं ये वो पियर्स पे कितना ट्रांसमिट हो रहे हैं। यदि केबल जो है पास्ट स्मूथ रोलर, मीन्स कि स्मूथ रोलर भी होना चाहिए गाइड पुली। ठीक है, ये चीज। और सेकेंड केस है क्लैम्प्ड टू अ सैडल, मीन्स इसमें दोनों केस में हमको फोर्सेस निकालना होगा वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, और यहां पे जो ये लास्ट केस पढ़िए, ये केस दिया हुआ है एंकर केबल और वो जो है
30 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल से लगा हुआ है। और यहाँ पे पियर की हाइट जो है वो इतना मीटर हाइट है, तो फाइंड द बेंडिंग मोमेंट फॉर द पियर फर्स्ट केस। जो पियर वन है, पियर वन मीन्स की ये जो हमारा केस है इसके रिस्पेक्ट में हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं एक केबल कुछ इस तरीके से बना लेता हूं। ये वी 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 ए एच एच, ठीक है। ये जो हमारा ये जो लेंथ है वो 150 मीटर गिवेन है, और डीप कितना है 15 मीटर, ये 6 किलो न्यूटन पर मीटर द हॉरिजॉन्टल स्पैन, मीन्स कि यूडीएल लोड दिया हुआ है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। तो पूछा हुआ है कि मैक्सिमम टेंशन कितना होगा, तो हमको ये बी ए निकालना होगा और वी वी निकालना होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो यूडीएल दिया हुआ है कितना 6 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। तो ये पूरे स्पैन पे वी ए और इक्वल्स टू वी वी, वी वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल लोड है तो आधा ये सपोर्ट वियर कर लेगा, आधा ये सपोर्ट, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा 6 इंटू के 150, ये टोटल लोड हो गया, आधा ये वियर करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 450 किलो न्यूटन। वी ए भी 450 और वी वी भी 450। अब हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन है इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो केबल में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जब यूडीएल लगा होता है पूरे स्पैन पे, तो क्या फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8H। तो ये हो जाएगा W हमारा दिया हुआ है 6 किलो न्यूटन और L जो है वो 150, 8 इंटू के, और H कितना है ये 15। तो इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1125 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट केस पूछा हुआ है कहां पे, ये मैक्सिमम टेंशन, तो मैक्सिमम टेंशन क्या होगा यहां से, T इक्वल्स टू अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वी ए कितना है 450 प्लस एच कितना है 1125। तो इसको जब हम अंडर रूट निकालेंगे इसका स्क्वायर करके कितना हो जाएगा 1211.7 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये जो हमारा है टी मैक्स आ गया, टी मैक्सिमम। अब नेक्स्ट पूछा है इंक्लाइनेशन, तो इंक्लाइनेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा, टेन ये एंगल पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, टेन बीटा इक्वल्स टू, तो इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो यदि ये देखिए ये है कुछ इस तरीके से, यदि एंगल बना लिया बीटा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन मीन्स वी ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वी ए अपॉन एच हो जाएगा। तो यहां से वी ए की वैल्यू कितनी है 450, एच की वैल्यू 1125। तो यहां से जो हम सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 21 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। तो हमारा ये दो चीज पता चल गया, ये और ये। अब हमको फाइंड करना है केवल ये फोर्स, ये फोर्स फाइंड करना है केस फर्स्ट के लिए और केस सेकेंड के लिए। तो मैं सबसे पहले इसका फिगर बना लेता हूं। फर्स्ट केस इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का ये पियर्स है, कुछ इस तरीके का ये पियर्स है, ठीक है। और ये एंगल देखिए दिया हुआ है, यहां पढ़िए 30 डिग्री एंकर केबल, इसको एंकर केबल बोलते हैं, इसको सस्पेंशन केबल। और ये एंगल बीटा है, और बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 21 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। और इसमें जो है टी होता है, इसमें भी टी होता है, तो मैं जब इसका कंपोनेंट निकालूंगा तो टी इसमें जो हो जाएगा वो टी कॉस बीटा, और इसका कंपोनेंट इसमें आएगा टी साइन बीटा, बीटा मीन्स की ये। फिर जस्ट वैसे ही इसका कंपोनेंट इसमें टी कॉस 30 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट इसमें आएगा टी साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो फोर्सेस कौन कौन से होंगे, तो वर्टिकल फोर्स कौन सा होगा, ये और ये, तो यही पूछा है ना इसमें, कहाँ गया फोर्सेस ट्रांसमिटेड टू द सपोर्टिंग पियर, तो कौन कौन से इस पे फोर्स लग रहा है इस पियर पे इन दोनों केबल की वजह से, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है मीन्स वर्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा ये दोनों, तो टी साइन बीटा प्लस टी साइन 30 डिग्री, बीटा इक्वल्स टू ये है। तो टी की वैल्यू कितनी है, पहली बात कि हम ये निकाल चुके हैं यहाँ पे टी की वैल्यू 1211, यहाँ पे 1211.7 साइन, बीटा की वैल्यू ये है 21 डिग्री 48 मिनट प्लस
1211.7 साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इसको जब हम निकालेंगे तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो टोटल लोड ट्रांसफर हुआ है इस पियर पे इन दोनों केबल की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो आ जाएगा, वो आएगा 105585 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करता हूं कि जो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है। यदि इस केबल, ये जो सस्पेंशन केबल है, इस सस्पेंशन केबल में जो भी लाइव लोड और डेड लोड होगा ब्रिज का जब नीचे की ओर पुल करेगा, तो इसमें कितना आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन दोनों की वजह से। तो यहां पर मैं नोट करूंगा कि नेट जो हॉरिजॉन्टल जो लोड है, हॉरिजॉन्टल लोड वो ट्रांसफर हुआ है पियर पे, ट्रांसमिटेड टू द पियर। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, टी कॉस 30 डिग्री माइनस टी कॉस बीटा, बीटा मीन्स की 21 डिग्री 48 मिनट। टी की वैल्यू जो है 1211, दोनों में टी है तो मैं कॉमन कर लेता हूं 1211.7। कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 और कॉस इतना की वैल्यू जो भी आएगी यहां पे पुट कर लेंगे। तो इसको जब हम फाइनली वैल्यू रख के पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 75.7 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स केस फर्स्ट के लिए। अब केस सेकेंड कहा है कि जो सैडल है, तो सैडल के लिए मैं फॉर्मूला फिगर बनाता हूं कि कुछ इस तरीके से ये पियर है, इसमें कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है, तो यहां से ये केबल लगे हुए हैं और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है और ये एंगल बीटा है वो भी 21 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, तो अब देखिए जब सैडल के केस में यहां पे टी है और यहां पे टी वन है, तो इसका कंपोनेंट इसमें आएगा तो टी कॉस बीटा मीन्स 21 डिग्री 48 मिनट, इसका कंपोनेंट इसमें आएगा टी वन कॉस 30 डिग्री। अब इसका ये जो है कॉस के रिस्पेक्ट में ये जो है एक कंपोनेंट है, दूसरा जो है इसमें आएगा तो टी साइन बीटा, मतलब कि बीटा मीन्स ये 21 डिग्री, और इसका जो है एक कंपोनेंट ये दूसरा नीचे की ओर आएगा तो वो आएगा टी वन साइन अल्फा, अल्फा मीन्स 30 डिग्री। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स आएगा मीन्स कि वर्टिकल इन दोनों केबल की वजह से वर्टिकल जो डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा लोड वो कितना होगा, वो होगा टी साइन बीटा प्लस टी वन साइन 30। ठीक है, तो इसके जगह पे आप अभी जो हम कंडीशन बताए थे कि इसका जो कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, इसके जगह पे आप ये भी रख सकते हैं और इसके जगह पे आप एच भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको इसकी वैल्यू नहीं पता है, मीन्स कि ये जो एंकर केबल है इसमें टेंशन हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले टी वन की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, हमने जब सैडल का केस बताया था तो ये जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले टी वन कॉस 30 इक्वल्स टू टी कॉस 21 डिग्री 48 मिनट, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1211.7 और कॉस 48 की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो यहां से जो टी वन की वैल्यू आ जाएगी वो 1299 किलो न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो है वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और टी की वैल्यू 1211.7 आया ही है, साइन बीटा की वैल्यू जो भी है 21 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, टी वन की वैल्यू 1299 आ गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इसको जब फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1099.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमारा ये भी केस कंप्लीट हो गया। एक चीज इसमें और पूछा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द पियर फर्स्ट केस। ठीक है, मतलब कि यहां पे हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो अब देखिए बेंडिंग मोमेंट यहां पे निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा ये आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो इसकी जो हाइट है वो दिया हुआ है 20 मीटर, तो ये डिस्टेंस पता हो गया। और इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, मीन्स की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो जो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा एट द पियर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द पियर, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, इतना 75 इंटू के हाइट ऑफ द पियर, इस डायरेक्शन में फोर्स हमारा इतना आ गया और ये जो हाइट है वो 20 मीटर है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, फाइनली सॉल्व करने के बाद 1514 किलो न्यूटन मीटर। ये केस फर्स्ट के लिए था, मैं पियर फर्स्ट के लिए, तो इसमें ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हम कोई भी इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।
हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब गाइस। ये जो हमारा चल रहा है केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज चल रहा है, इसमें आज टॉपिक हमारा डिस्कस होगा सस्पेंशन ब्रिज विथ 3 इंच स्टिफनिंग गिर्डर। इस पर जो है न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ही आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि केबल में कौन कौन से लोड लगे होते हैं। ठीक है, मीन्स केबल के मेंबर्स में। ठीक है, और जो है गिर्डर जो हमारा होता है वो एक तरीके का मान सकते हैं कि ये ब्रिज होता है। ब्रिज के जो रिवर के ऊपर पुल होते हैं, एक तरीके का जो रोड होता है जिसपे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स या फिर एक्सेट्रा जो भी चलते हैं, उस चीज़ को गिर्डर एक तरीके का बोल देते हैं। मीन्स गिर्डर के ऊपर एक रोड ही होता है उसी को। तो उस गिर्डर के ऊपर कौन कौन से और फोर्स लगते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फोर्स लगते हैं और कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, कितना शियर फोर्स आएगा। ठीक है, और तो चलिए इसमें सबसे पहले फिगर बनाते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या है। तो ये हमारा इसमें केबल है। ठीक है, इस केबल में ये हॉरिजॉन्टल है रिएक्शन और ये वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, तो फिलहाल जो है हम अभी तक इसके पीछे जो हम लोग अभी हम मैक्सिमम टेंशन या फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड करते थे, वो केवल इस केबल में जो हमारा ये मेंबर्स लगे होते थे। ठीक है, इसके वजह से मीन्स कि हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि ये जो हमारा इसमें है, इसमें कितना हमारा लोड लगा हुआ है, मीन्स कि इसमें जो हमारा ये जो नीचे इसके जो ब्रिज होता है, ब्रिज का जो लोड है वो इस केबल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में लोड लगा होता है। ठीक है, तो इसके पीछे तक हम केवल इसी यहीं तक जो यूडीएल लोड लगा होता है इसी को हम लोग ये चीज दोनों फाइंड करते थे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल और मैक्सिमम टेंशन। ठीक है, लेकिन जब सस्पेंशन ब्रिज 3 इंच स्टिफनिंग गिर्डर की बात करेंगे तो इसमें जो है गिर्डर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। गिर्डर जो होता है वो इस तरीके से ये होगा, तो 3 हिंज बोला है तो 3 पॉइंट पे हिंज होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गिर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। इसमें जो है वो डब्ल्यू ई जो है किलो न्यूटन पर मीटर का इस मेंबर में यूडीएल लोड लगा हुआ है। इस मेंबर में मीन्स इसका जो टोटल लोड है वो ये वियर कर रहा है यहां से लेके यहां तक, डब्ल्यू ई किलो न्यूटन पर मीटर लोड। और सपोज करते हैं कि एक्सटर्नल लोड इस बीम पे डब्ल्यू वन लगा है और यहाँ पे डब्ल्यू टू लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इतना हमारा 3 इंच स्टिफनिंग गिर्डर है, एक तरीके का पूरी तरीके से कंप्लीट सस्पेंशन ब्रिज है। हमने केवल इस केबल में, मतलब कि ये जो केबल है, इस केबल से जो हमारे ये सब मेंबर कनेक्टेड है इसमें लोड की वजह से हम लोग ये फाइंड करते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, इसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। मीन्स कि ये जो हमारा गिर्डर है, इस गिर्डर का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको जो है दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, मीन्स कि इसको अलग अलग बना दीजिए। तो अलग अलग बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया, हमने इस एक सेक्शन कट किया, इसको हम अलग कर लिए। और ये हमारा 3 इंच था, यहाँ पे डब्ल्यू वन है और यहाँ पे डब्ल्यू टू है। ठीक है, तो अभी तक देखिए ये जो हमारा है इसके ऊपर तक का, मीन्स कि ये जो हम अभी लाइन खींचे हैं इसके ऊपर, मीन्स कि ये जो अलग अलग कर दिए, तो इसका हम लोग पीछे एनालिसिस कर चुके हैं। हमको एनालिसिस करना है केवल इसका। तो इसको एनालिसिस करने के लिए ये देखिए डब्ल्यू ई यूनिट लोड पर जो लगा हुआ है किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये लगा हुआ है, ये केबल में लगा हुआ है इतना किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे ये बीम में ये लोड लगा हुआ है। मीन्स कि ये लोड है वो केबल में और ये लोड जो है गिर्डर में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो गिर्डर में ये लोड लगे हुए हैं इसको एज अ बीम हम ट्रीट करेंगे और ये जो है वो अलग है। तो सबसे पहले मैं इसको, इन दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ इसको, ये इसको जो है ऊपर की ओर बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये डब्ल्यू ई किलो न्यूटन पर मीटर है और नीचे वाला जो है कुछ इस तरीके से बना लेता हूं, ये डब्ल्यू वन है और ये डब्ल्यू टू। तो ये यूनिट लोड के लिए ये ऊपर की ओर लोड लग रहा है, तो यहां पे जो होगा वो नीचे की ओर लगेगा और यहां पे भी वी ए और यहां पे भी वी ए, वी ए ये बी वी, तो ये बी ए और बी वी कितना होगा, और ये मैं मान लेता हूं कि ये जो पूरा स्पैन है वो एल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ई एल बाई टू और ये भी डब्ल्यू ई एल बाई टू। ठीक है,
अब ये देखिए नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन जो है ऊपर की ओर लगेगा, ये भी वी ए और वी बी, ठीक है, और ये जो है सी पॉइंट है, सी पॉइंट मीन्स ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, हम कोई एक सेक्शन कट करेंगे, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि सेक्शन कट कर दिया, और इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं मान लिया एक्स है, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं मान लिया कि ए है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट पे हम क्या करें, मोमेंट ले लेता हूँ, ये सेक्शन इसके लिए अलग से मोमेंट लेंगे और इसके लिए अलग से मोमेंट, तो मैं मान लेता हूँ कि इसके लिए ले लेता हूँ, तो मोमेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मोमेंट एट एक्स डिस्टेंस, ठीक है, तो वी ए इंटू के एक्स हो जाएगा माइनस, अब डब्ल्यू वन इंटू के ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स में से ए माइनस हो जाएगा, तो डब्ल्यू वन एक्स माइनस ए, ठीक है, ये इतना हो गया इसके लिए, इस पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे। अब इसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो वी ए इंटू के ये डिस्टेंस, ये जैसे कि देखिए ये जो है यहाँ पे रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे लोड नीचे की ओर, ये तो मीन्स एक दूसरे के अपोजिट है, यदि हम इसको पॉजिटिव लिया है तो इसको हम निगेटिव लेंगे, ठीक है, तो वी ए इंटू के ये डिस्टेंस, तो वी ए हमारा क्या है, डब्ल्यू ई एल बाई टू, ये वी ए इंटू के एक्स, तो एक्स हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस, माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये नीचे की ओर है, यदि हम इसको प्लस लें तो इसको जो है माइनस हो जाएगा। अब ये तो वी ए इक्वल्स टू ये डिस्टेंस हो गया, अब तो ये तो सब तो यूडीएल भी तो लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये यूडीएल कितना है, डब्ल्यू ई, तो कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, तो ये लोड हो जाएगा डब्ल्यू ई इंटू के एक्स, ये लोड हो गया। अब ये लगे कहाँ पे, इस सेंटर पे, इसके ये जो एक्स डिस्टेंस है इसके ठीक बीच में, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू, एक्स बाई टू यहाँ पे लिखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, बाई टू हो जाएगा। अब इसको हम ये लिख देता हूं, कुछ भी यहां पे लिख देता हूं, बीम, कि ये जो है, ये देखिए ये गिरडर पे लगा हुआ है लोड, उसके वजह से यहां पे मोमेंट आया था, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, बीम, बीम में मतलब बीम मोमेंट, ये बीम और मोमेंट एम्स, और ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, इसमें कॉमन क्या है, जो कॉमन है उसको हम निकाल लेते हैं, तो डब्ल्यू ई एक्स बाई टू, तो यहां पे बचा क्या, एल माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का बीम मोमेंट, तो जो टोटल मोमेंट एक्स डिस्टेंस पे है वो कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकता हूं ये बीम मोमेंट, बीम मोमेंट माइनस, अब ये देखिए कितना होगा, एच की वैल्यू हमारा कितना आता है, एच वाई हम यदि निकालें, ये हम क्यों निकाल रहे हैं अभी बताते हैं, एच वाई यदि निकालें, एच की वैल्यू होता है डब्ल्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एट एच इंटू वाई की वैल्यू 4hx अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस एक्स पैराबोला के लिए, तो इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ई एक्स बचेगा यहाँ पे बाई टू एल माइनस एक्स, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यही इतना है ये, ठीक है, तो इसके जगह पे हम h रख सकते हैं, इसलिए हम एच वाई निकालें, तो यहाँ पे एच वाई लिख दिया, तो एच वाई का मतलब h मोमेंट होता है, ठीक है, तो जो हम थ्री इंच स्टिफनिंग गिर्डर के लिए मोमेंट निकालेंगे हम इसी तरीके से निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे बीम मोमेंट माइनस एच मोमेंट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बीम मोमेंट माइनस एच मोमेंट। यदि मैं सी पॉइंट का मोमेंट लेना चाहूंगा सी पॉइंट पे, तो कितना हो जाएगा, और ये देखिए सी पॉइंट पे क्या है, हिंज है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ये मतलब कि जीरो। अब बीम मोमेंट कहाँ पे, सी पॉइंट पे, तो ये बीम मोमेंट है सी पॉइंट पे, एम सी का मतलब क्या है, सी पॉइंट पे मोमेंट, माइनस एच इंटू के क्या हो जाएगा, वाई, वाई कितना होगा सी पॉइंट पे, मीन्स कि ये जो ठीक सेंटर पे, तो इसको हम मान लेते हैं एच, तो एच इंटू के सी पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है मैक्सिमम, एच, तो यहां से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना हो जाएगा, एम सी डिवाइड बाई एच, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे यूज होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं शियर फोर्स की, शियर फोर्स हम यदि निकालें इसी सेक्शन पे, ये जो अभी था दोनों के लिए, ठीक है, अभी ये जो था दोनों के लिए, जैसे हम बेंडिंग मोमेंट निकाले हैं तो उसी तरीके से शियर फोर्स निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसके वजह से वी ए माइनस डब्ल्यू हो जाएगा शियर फोर्स इस सेक्शन पे, तो कितना हो जाएगा शियर फोर्स इस बीम के लिए, गिर्डर के लिए, मीन्स वी ए माइनस डब्ल्यू वन, ये इसके लिए होगा, अब माइनस, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई एल बाई टू, ये वी ए हो गया,
और माइनस डब्ल्यू इंटू के एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको हम मान लेता हूं कि सीयर फोर्स बीम के लिए, मैं बीम सीयर लिख सकता हूं, बीम सीयर माइनस, अब ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि मैं निकाल लूं एच टेन थीटा, कितना हो जाएगा एच टेन थीटा, मैं निकाल लूं एच की वैल्यू है डब्ल्यू डब्ल्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एट एच, टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं, ये देखिए वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, तो वाई को हम एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स ही टेन थीटा होता है। तो अब वाई को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये जो वाई की वैल्यू है इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा फोर एच अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस टू एक्स, ठीक है। तो यहां से कट करते हैं, कुछ कट हो रहा है, तो यहां से आ जाएगा डब्ल्यू ई बाई टू एल माइनस टू एक्स, ठीक है। तो अब क्या करें, इसको और थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा डब्ल्यू ई एल बाई टू माइनस डब्ल्यू ई, ये टू से टू कैंसिल तो एक्स मीन्स इतना आ गया। अब ये देखिए इसी के इक्वल हुआ है, ठीक है, इसी के इक्वल है। तो यहां पे मैं इसके जगह पे एच टेन थीटा रख सकता हूं, एच टेन थीटा। तो किसी भी पॉइंट पे हमको सीयर फोर्स निकालना होगा तो मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज कर लूंगा। देखिए ये इक्वल हो गया इसके, ठीक है, इसलिए हमें यह एच टेन थीटा मेंशन कर दिया हूं, ठीक है। तो चलिए इस पर हम एक न्यूमेरिकल लगाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या दिया रहता है और क्या क्या पूछा रहता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए सस्पेंशन ब्रिज, ये इतने मीटर का स्पैन दिया हुआ है और थ्री इंच स्टिफनिंग गिर्डर है, ठीक है, थ्री इंच स्टिफनिंग गिर्डर है और जो सेंट्रल डिप है वो 10 मीटर का दिया हुआ है। और क्या है, रोडवे है जिसकी विड्थ जो है वो इतना दिया हुआ है 7 मीटर का, और डेड लोड जो है वो इतना दिया हुआ है, ये डेड लोड है, और लाइव यहाँ पे लाइव लोड है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। विच जो ये लाइव लोड है विच एक्ट राइट हाफ ऑफ द स्पैन, जो स्पैन होगा वो जो हाफ राइट है मीन्स की जो आधा सी पॉइंट से सेंटर पॉइंट से जो राइट साइड में है वो पूरा ये लाइव लोड लगा हुआ। इसमें पूछा हुआ है कि सीयर फोर्स निकालिए, सीयर फोर्स निकालिए और बेंडिंग मोमेंट निकालिए इन द गिर्डर इतना मीटर फ्रॉम राइट एंड मीन्स की राइट एंड से। और ये इसमें ये भी पूछा हुआ है कि मैक्सिमम टेंशन भी निकालना है, ठीक है, कि कितना होगा मैक्सिमम टेंशन। तो सबसे पहले मैं इसमें एक फिगर बनाने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि कैसे ये बना हुआ है। थ्री इंच स्टिफनिंग गिर्डर है तो कुछ इस तरीके से ये केबल लगा हुआ है इसमें, और थ्री इंच स्टिफनिंग गिर्डर कुछ इस तरीके से होगा, थ्री इंच दैट मीन्स थ्री पॉइंट पे हिंज है, ठीक है, और ये जो है सेंट्रल डिप जो है वो 10 मीटर दिया हुआ है, स्पैन जो है वो 130 मीटर दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक। और क्या है, रोड हैज द विड्थ, ये देखिए साइड व्यू एक तरीके से, यदि मैं टॉप से देखूं इस साइड से देखूं यहां से ऐसे टॉप से देखूंगा तो ये जो रोड होगा कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से। तो एक जो पोर्शन है केवल ये वाला है साइड से दिख रहा है, मीन साइड से, ठीक है। यदि मैं यहां से टॉप से देखूंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, यहां पे कुछ इस तरीके से, जस्ट यहां पे भी ऐसे बनेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। और इसके ऊपर केबल लगेगा, मीन्स इसके ऊपर केबल है ये वाला, ये जो पोर्शन होगा इसके ऊपर होगा। तो इसकी विड्थ जो दिया हुआ है वो 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और दिया हुआ है कि विच एक्ट डेड लोड जो दिया हुआ वो इतना किलोमीटर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये एरिया के फॉर्म में दिया है, लेकिन हमको क्या निकालना होता है डेड लोड किलो न्यूटन पर मीटर, लाइव लोड भी जो है एरिया के फॉर्म में दिया है। तो इसको भी सबसे पहला काम हमको यूडीएल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और ये जो लाइव लोड दिया है वो जो है राइट हाफ ऑफ द स्पैन मीन्स की जो है राइट हाफ मीन्स की ये जो सी पॉइंट है सी से इधर जो है पूरा जो है लगा हुआ है,
यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट से इधर का जो है वो लाइव लोड है, ठीक है, एरिया के फॉर्म में। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि डेड लोड जो है वो किस में निकालेंगे, किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहां पे दिया हुआ है 5 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे किलो न्यूटन पर मीटर में हम निकालेंगे। तो सपोज करते हैं कि जो हमारा 1 मीटर रन का जो है ब्रिज है, 1 मीटर जो है रन का ब्रिज है, तो 1 इंटू के, अब इसका जो है ये डेप्थ ये विड्थ कितना दिया है 7, तो ये हो जाएगा 35 किलो न्यूटन। उसी तरीके से लाइव लोड हम निकाल लेंगे, तो लाइव लोड कितना दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू के 1 इंटू के 7 इस विड्थ का, ये 10 × 70 किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है दोनों के केस में डेड लोड जो आएगा वो किसके लिए आया है, वो इन दोनों स्टिफनिंग मीन्स कि ये जो गिर्डर है और ये गिर्डर दोनों है, मीन्स टॉप पे इस पूरे रोड का एक स्टिफनिंग गिर्डर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो आया है डेड लोड इन दोनों की वजह से आया है, और ये जो लाइव लोड है वो इन दोनों की वजह से है। तो सबसे पहले हम एक एक गिर्डर के लिए निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे डेड लोड पर गिर्डर कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि ये जो सेंटर पॉइंट है सेंटर से हाफ ये वियर करेगा और हाफ ये, तो हम सिंगल गिर्डर के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 2 मीन 75 किलो न्यूटन ये पर मीटर हो जाएगा। उसी तरीके से लाइव लोड के केस के लिए निकालेंगे, तो लाइव लोड कितना हो जाएगा, लाइव लोड पर गिर्डर 70/2 दैट मीन्स 35 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब क्या करें, अब जैसे कि ये लाइव लोड सिंगल गिर्डर पे किस तरीके से लगा होगा, मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं कुछ इस तरीके से। तो ये जो सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है ये वाला, ये यहां पे, अब ये क्वेश्चन यहां पे पूछा भी था, दिया भी था कि राइट हाफ ऑफ द स्पैन, यहां से लेके यहां तक राइट हाफ ऑफ द स्पैन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना लगा हुआ है, ये 35 किलो न्यूटन पर मीटर, और स्पैन कितना दिया हुआ था 130, तो 65 मीटर ये है और 65 मीटर ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये रिएक्शन फाइंड कर लें। तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे मोमेंट ले लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, इस पॉइंट पे मोमेंट ले लेते हैं, हमको रिएक्शन फाइंड होगा तभी हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मोमेंट बी पे लेंगे क्या हो जाएगा, बी ए इंटू के ये डिस्टेंस मीन्स 130, और इस यूडीएल के लिए, तो यूडीएल को सबसे पहले टोटल लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो 35 इंटू के 65 ये टोटल लोड हो गया, ये लगे कहां पे, ठीक सेंटर पे यहां पे, तो 65 का हाफ इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो वी ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगी वो कितना हो जाएगा 568.75 किलो न्यूटन, और वी बी की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल लोड में से हम माइनस कर देंगे, तो टोटल लोड कितना है इस पे 35 इंटू के 65, ठीक है, ये टोटल लोड है, तो टोटल लोड ये है और एक लोड एक रिएक्शन ये है, तो टोटल लोड में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा इतना आएगा 1706.25, ठीक है। अब हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे निकालेंगे, हमको अभी पता है पीछे जो हम लोग सॉल्व किए थे कि जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा वो कितना हो जाएगा, H इक्वल्स टू हमको पता है कि एम सी का मतलब क्या है, C पॉइंट पे मोमेंट, B मोमेंट, ठीक है, और H दिया होगा, तो B मोमेंट यहां पे कितना हो जाएगा, B मोमेंट कितना हो जाएगा, चाहे तो आप यहां से मोमेंट इस पॉइंट पे ले लीजिए, चाहे तो यहां से मोमेंट इस पॉइंट पे ले लीजिए, एम सी का मतलब क्या है, सी पॉइंट पे मोमेंट, तो वी ए इंटू के ये डिस्टेंस, तो वी ए कितना है हमारा है 568.75 इंटू के ये डिस्टेंस 65, और एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 10 मीटर दिया हुआ है। तो जो हमारे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ जाएगा फाइंड करने के बाद फाइनली वो 3696.875 किलो न्यूटन, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है कि क्या क्या फाइंड करना है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम टेंशन,
ठीक है। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या है, पीछे हम क्या कैसे निकाले थे जब 3 इंच स्टिफनिंग गर्डर के लिए था, तो जो एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा, बीम मोमेंट माइनस एच मोमेंट मीन्स एच वाई। ठीक है, ये कहाँ पे पूछा हुआ है, एट 25 मीटर फ्रॉम राइट साइड लिखा हुआ है ना, ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट 25 मीटर फ्रॉम राइट एंड मीन्स कि इस पॉइंट से इधर। ठीक है, अभी हम फिलहाल गिरडर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी इस केबल के लिए भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम गिरडर के लिए कर रहे हैं। तो गिरडर में बेंडिंग मोमेंट 25 मीटर पे राइट एंड से, मतलब कि यहां पे, ये सपोज कर लेता हूं कि हमारा 25 मीटर है यहां से लेके यहां तक, तो इस पॉइंट पे हमको बेंडिंग मोमेंट चाहिए। तो ये बीम मोमेंट माइनस एच मोमेंट होता है, तो बीम मोमेंट हम क्या हो जाएगा, ये बीम ही है, गिरडर है। ठीक है, एच बीम के लिए क्या हो जाएगा, वी बी इंटू के 25। ठीक है, ये बीम मोमेंट है, अभी ये गिरडर पे ही लोड लगे हुए, अभी केबल का हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो एज ए इसको बीम ही ट्रीट करेंगे। तो वी वी इंटू के 25 हो गया। अब ये 25 मीटर पे हमारा यूडीएल भी लगा हुआ है ये पोर्सन, तो ये माइनस हो जाएगा कितना, 35 इंटू के 25। ठीक है, ये तो टोटल लोड हुआ 25 मीटर पे, और ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो ये जो है इसके हाफ पे ये डिस्टेंस, ये लोड लगेगा टोटल, तो 25 डिवाइड बाई 2, ये क्या आ गया, बी मोमेंट। एच मोमेंट, तो एच हमारा क्या है, एच जो है 3696.875। वाई की वैल्यू चाहिए, तो हमको पता है कि वाई इक्वल्स टू क्या होता है, 4hx/L² L-x। तो 4h की वैल्यू कितनी है, 10x मीन्स 25 दिया हुआ इसी पॉइंट पे पूछा है, डिवाइड बाई एल स्क्वायर, एल स्क्वायर दैट मीन्स 130 का स्क्वायर, एल कितना है 130 माइनस एक्स कितना है 25। ठीक है, तो इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे, तो जो वाई की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 6.2 मीटर। तो यहाँ पे 6.2 मीटर हम रख देंगे। तो जो एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट आएगा इसको हम कैलकुलेट करने के बाद, वो आएगा 8796.125 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट 25 मीटर फ्रॉम राइट साइड। जस्ट उसी तरीके से हम यदि शियर फोर्स की बात करें, तो शियर फोर्स फाइंड करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल शियर फोर्स क्या हो जाएगा, बीम शियर, यह फार्मूला कहाँ से आया था, यह हम पीछे वाले जो अभी इसके जस्ट हम थ्री इंच स्टिफनिंग ग्रेड बता रहे थे तो उसमें बताया था, तो बीम शियर माइनस एच टेन थीटा था। तो बीम शियर क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे बीम शियर, तो वीवी, ठीक है, तो वीवी माइनस, अब इसका भी लोड लगेगा 35 × 25, ये बीम में है, मतलब कि ये बीम है, तो इस पॉइंट पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा, वीवी, और ये प्लस में है, बाकी का ऊपर का लोड नीचे की ओर लग रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 35 और 25 मीटर पे इतना, ये बीम शियर हो गया। एच टेन थीटा, तो एच हमारा कितना है, 3696.875 × 10 थीटा। अब हमको निकालना है, तो 10 थीटा कैसे निकलेगा, तो हमको वाई इक्वल टू पता है कि 4hx/L² L-x हमको पता ही है। अब इसको हम dy/dx कर लें, तो कितना हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई अंदर कर दें फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो 4h/L² L-2x, क्योंकि यहाँ पे x होगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो x जो है 1 हो जाएगा और x² 2x हो जाएगा, और यही जो होता है वो टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4h की वैल्यू जो 10 है और L² 130 के स्क्वायर L 130 है माइनस 2 × 25, तो जो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 0.189 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0.189 आ जाएगा। तो यहाँ पे वीवी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो भी आया था अभी निकाले थे हम 1706.25, तो इसको वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व कर लेंगे, तो जो हमारा पूरा शियर फोर्स आ जाएगा कहाँ पे, 825 मीटर फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 132.54। ठीक है, तो देखिए हमको ये पता चल गया, शियर फोर्स पता चल गया और बेंडिंग मोमेंट पता चल गया। अब हमको मैक्सिमम टेंशन फाइंड करना है, तो मैक्सिमम टेंशन फाइंड करने का मतलब क्या है, कि मैक्सिमम टेंशन कहां पे लगता है, यहां पे लगता है, यहां पे लगता है, तो यही हमारा टी मैक्स है। तो टी मैक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टी मैक्स इक्वल टू होता है वी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वी ए हम निकालेंगे, तो वी ए कैसे निकालेंगे, ये वी ए कैसे निकलता है, इस केबल में जो यूडीएल लगा होता है, और ये जो वी ए है
ये वी ए और वी बी ये अलग चीज है, ये लाइव लोड इतना डिस्टेंस पे लगा है इसके वजह से ये वी ए और वी बी है। ये हम गिरडर के लिए कैलकुलेट किए थे, बट जब हम केबल की बात करेंगे तो केबल के लिए वी ए जो निकलेगा वो इसमें जो लोड लगा होगा यूडीएल उसके वजह से, दैट मीन्स कि ये जो हमारा केबल का मेंबर है इसमें कितना लोड लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमको इसमें हमको डब्ल्यू ई निकालना होगा। डब्ल्यू ई कैसे आएगा, जो हमारा गिरडर पे लाइव लोड लगा हुआ है और जो एक और लोड लगा है डेड लोड, मीन्स इसका जो गिरडर का खुद का वेट है डेड लोड वो, और जो ये लाइव लोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो लाइव लोड लगा हुआ है राइट जो स्पैन लगा हुआ है सेंटर से ये इतना ही तक लगा है, लेकिन ये जो लाइव लोड है जो आधा हमारा स्पैन है जब केबल में ट्रांसफर होगा तो पूरा में इक्वल मतलब कि किलो न्यूटन पर मीटर में ये ट्रांसफर होगा, बट दिया हुआ है क्या सी पॉइंट से लेके यहां तक। तो सबसे पहले हमको इस केबल में ट्रांसफर करना हो मतलब ये देखना होगा कि इस केबल में कितना ये पूरे मतलब यहां से लेके यहां तक कितना किलो न्यूटन पर मीटर में ट्रांसफर हो रहा है, मींस कि गिरडर से केबल में। तो सबसे पहले हमको लाइव लोड की वजह से ये डब्ल्यू ई निकालना होगा, और जो डेड लोड यहां से लेके यहां तक ये तो पूरा एक्सपेंड है डेड लोड, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो जो डेड लोड रहा होगा कितना है ये जो डेड लोड है वो तो पूरा यहां से लेके यहां तक खुद का वेट है इसका गिरडर का, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो लाइव लोड है 35 किलोन्यूटन वो यहां से लेके यहां तक दिया है। यदि ये पूरा 35 किलोन्यूटन यहां से लेके यहां तक दिया रहता है तो हमको हम पता ये रहता है कि ये 35 किलोन्यूटन लाइव लोड की वजह से है और 17.5 जो है वो डेड लोड की वजह से है। लेकिन क्या है यहां पे लाइव लोड सी पॉइंट से लेके यहां तक जो है दिया हुआ है केवल हाफ। तो सबसे पहले हमको ये निकालना होगा कि इस लाइव लोड की वजह से इस केबल में कितना पूरा मतलब कि लाइव लोड की वजह से है। तो वो कैसे निकलेगा, हमें ये पता है कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इक्वल्स टू क्या होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एच, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हम निकाले हैं किसके वजह से निकाले हैं, इसके वजह से निकाले हैं, ठीक है। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट हम सी पॉइंट पे किसके लिए लिए थे, इसके वजह से मीन्स लाइव लोड की वजह से निकाले थे। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू हम यहां पे रखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना हो जाएगा 3696.875 इक्वल्स टू डब्ल्यू एल की वैल्यू 130 का स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू के एच, एच हमारा कितना है 10। तो ये जो हमारा आएगा यूडीएल, ये यूडीएल कौन सा आएगा लाइव लोड की वजह से, ये जो हमारा लाइव लोड है ये पूरा केबल में ट्रांसफर हो जाएगा, मीन्स ट्रांसफर जो हमारा यूडीएल है लाइव लोड का वो आएगा, मीन्स कि लाइव लोड जो है केबल में कितना हमारा ट्रांसफर हुआ है। तो ये जो हम कैलकुलेट करेंगे तो जो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो 17.5 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये लाइव लोड की वजह से है। मतलब कि यहां पे जो हमारा यूडीएल हुआ, अब ये जो अब यहां पे 65 मीटर पर 35 किलो न्यूटन का था, लेकिन जब ये हमने निकाला तो ये किसके लिए निकाला, पूरा यहां से लेके यहां तक, अब यहां से लेके यहां तक नहीं रह जाएगा, अब यहां से लेके यहां तक ये यूडीएल पूरा हो जाएगा लाइव लोड की वजह से, ठीक है। तो लाइव लोड की वजह से इतना है और डेड लोड की वजह से कितना है अभी हमने निकाला था 17.5। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, तो जो टोटल लोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 17.5 प्लस 17.5 तो ये हो जाएगा 35 किलो न्यूटन पर मीटर, मीन्स कि डेड लोड का भी यहाँ पे 17.5 है और लाइव लोड का भी यहाँ पे 17.5 है। तो ये जो हमारा लोड हो जाएगा टोटल 35 किलो न्यूटन का पर मीटर का लोड लग जाएगा। तो अब ये लोड हो गया, तो अब ये क्या होगा, तो डब्ल्यू एल अपॉन टू मतलब कि ये जो डब्ल्यू है डब्ल्यू ई, तो ये डब्ल्यू ई कितना हो जाएगा टोटल, ये तो यहां से कितना आ जाएगा V की वैल्यू डब्ल्यू ई एल अपॉन टू, तो डब्ल्यू ई कितना है 35, L की वैल्यू 130 और 2। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 2275 किलो न्यूटन। उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल लेंगे डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एच। अब ये जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ये किसकी वजह से आ रहा है, डेड लोड और लाइव लोड दोनों की वजह से, और ये जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आया था वो किसकी वजह से आया था, केवल इसके वजह से आया था ये लाइव लोड की वजह से। तो हमको यहां पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है, मींस कि ये वाला, तो ये जो लगेगा वो इसमें डेड लोड भी कंसीडर होगा और लाइव लोड भी कंसीडर होगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करें तो डब्ल्यू हमारा 35 है इंटू के एल स्क्वायर 130 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू के एच। तो इसको हम जब फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा एच की वैल्यू 7393.75 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मैक्सिमम टेंशन क्या होगा, टी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यह भी हमने बताया था, ठीक है। तो वी ए की वैल्यू कितनी है, यह है 22 पॉइंट स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू
7393.75 का स्क्वायर। तो इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो जो टी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, टी मैक्स की वैल्यू अब वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद, वो कितना हो जाएगा 7735.83 किलो न्यूटन। ठीक है, आई होप गाइस ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मैं आगे कोई भी वीडियो इससे रिलेटेड अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।